ये जो इसकी जो नया प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने मंडे को, सेंसेक्स JFNO, उसके बारे कितना उसमें प्रॉफिट होने की उम्मीद है, और उसके बाद जो ये नाइट का जो ट्रेडिंग है इवनिंग में, इसकी क्या पोजीशन रहेगी, इसकी क्या अरे अभी उम्मीद है? नाइट की ट्रेडिंग कहाँ हो रही है? न्यूज तो आ रही है, नहीं कहाँ, अभी न्यूज़ कहाँ आई? नाइट की ट्रेडिंग थोड़ी आ ये रही है। उम्मीद उम्मीद है कि ये 10 बजे तक 11 बजे तक होगी शाम को, आपको क्या लगता है होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? होनी चाहिए सर। अच्छा, आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर जो हैं? लोग करना चाहें वो करें, जो लोग नहीं करना चाहते नहीं करें, अरे वो ऑप्शन तो तो बात उनको। एकदम पते की है, आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं? नहीं, मैं इन्वेस्टर हूँ, स्मॉल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का कौन सा इन्वेस्टर होता है? शॉर्ट टर्म मतलब कितने समय के लिए? जब भी प्रॉफिट मिले 20-25% का, और उसमें रिजल्ट ठीक नहीं अरे भैया, तो इसमें इसमें आते हैं। सुनो बंसल जी, इसमें तो मिल रहा प्रॉफिट, बुक किया क्यों नहीं? इसमें 1180 लिया था, अभी देखो नहीं, चल रहा है बुक तो 1890। इसीलिए नहीं किया कि इसके जो फ्यूचर है वो ब्राइट लग रहा है। फ्यूचर ब्राइट लग रहा है सरवेन जी, BSE का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है संजीव बंसल जी को। अब बहुत ही मतलब जिसको क्या कहूँ, चालाक टाइप के हैं ये। चल रहा है तो मैं क्यों बेचूं? बिल्कुल सही बात है, क्यों बेचना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी है शॉर्ट टर्म भी है। आप बताइए क्या करें BSE में? वो जो खबरें ये पूछ रहे हैं वो तो जब होंगी, नाइट ट्रेडिंग होगी तब देखा जाएगा स्टॉक में क्या करें। नहीं देखिए, बड़ा मुश्किल, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिक्स हो जाए तो हमारे जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बट अब ठीक है, इनको सूट कर रहा है और ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थॉट यही है कि अगर चल रहा है और चलने देना चाहते हैं, जब ये एक थॉट है दिमाग में, तो उस समय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो बेस्ट आपके पास रणनीति होती है, कि आप धीरे धीरे अपने लेवल्स को पीछे ट्रेल करते रहे और बाजार के एक सेफ डिस्टेंस में चले, जहां पे किसी विप्सो में या किसी शॉर्ट टर्म सेटअप में आपको बाजार बाहर ना कर दे। तो एक सेफ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मुझे इनके केस में BSE में दिखता है, वो तो भाई थोड़ा डीप आएगा और वो 1440 के आसपास आ रहा है। तो आई थिंक 1434 के स्टॉप, डेली क्लोजिंग स्टॉप लॉस से अगर BSE में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके बने रहना चाहते हैं तो बने रहें। इसमें इनका 25-30% मुनाफा भी लॉक हो जाएगा, और किसी कारणवश अगर बाजार में वीकनेस आई और स्टॉक उसके नीचे गया तो इनके थोड़े पैसे बन जाएंगे, और ऊपर अगर गया तो और अच्छी बात है, फिर इनके और पैसे बनेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिलहाल यहाँ पे लगाएं 1434, और हर वीक उसको थोड़ा टाइट करते रहें, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट उसको हर वीक टाइट करते रहें। महीने में 270%। बंसल जी जी स्टॉप लॉस लगाएंगे 1434 स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे सर, फॉरएवर रखने का मन है इस शेयर को, तो BSE को फॉरएवर रखेंगे। हाँ क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो इनकम है, वो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि और बढ़ेगी। लोगों का रुझान ट्रेडिंग में स्टॉक एक्सचेंज की तरफ बढ़ रहा है, ट्रेडिंग हाँ ट्रेडिंग इधर बढ़ रहा है, बहुत गुड, की तरफ भी, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी। बढ़िया भाई, मेरे अपने विनिंग। व्यूज हैं, आपके क्या एक्सपर्ट के व्यूज हैं नहीं, वो मैं हमारे जानना चाहूंगा एक्सपर्ट ने अपने। तो व्यू ये दिया है कि मार्केट में स्टॉक बहुत चल चुका है, तो चार्ट पैटर्न ये कहता है कि 1434 स्टॉप लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। अभी चूंकि आपका स्टॉक 1800-1900 ऑलरेडी हो चुका है, मैंने बताया 6 महीने में 270% चल चुका है, तो खैर ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे, लेकिन आप फॉरएवर रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक बढ़िया रिटर्न आपको दे रहा है। चलिए अगला सवाल, सूरज कुमार दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सूरज जी नमस्कार, बताइए सर। नहीं सर, सर मैंने टाटा मोटर्स के 100 शेयर दे रखे हैं हाँ 64 की लीड पे, ओके और मेरा सर अभी 6% लॉस दिखा रहा है। मतलब अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 626, तो मेरे को क्या करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? सर जी, 664 में लिया इन्होंने, जी क्या करें? देखिए, एक मीडियम टर्म ट्रेंड जहां पे मैच्योर हो रहा है उस एरियाज में उन्होंने कहीं लिया है, तो इनको दायरा फिर यहाँ पे, अगर इनका दायरा अगर 12 महीने प्लस का है तो ये मान के चले कि भाई तब इनकी थोड़ी कमाई हो सकती है। बट अगर 12 महीने प्लस से कम का होराइजन है तो आई थिंक मुझे यहाँ रिस्क लगता है, एटलीस्ट लगता है मुझे कि 550-530 ये लेवल स्टॉक के आ सकते हैं। जब बाजार अपने लंबे अवधि के 200 दिन के एवरेज को तोड़ चुका है तो ये स्टॉक अभी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अगर किसी कारण से वीकनेस आती है तो एटलीस्ट वहां तक चला जाएगा। तो आई थिंक 550 के आसपास वो लेवल्स हैं, तो अगर इतना पेन ये झेलने को रेडी है किन्हीं कारणवश अगर वो आता है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, नहीं तो अन्यथा मेरे हिसाब से इस एरिया में इनको एक टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए ताकि इनका नुकसान और ना गहरा है। और मेरे हिसाब से वो लेवल आएगा 614 के आसपास मुझे दिख रहे हैं, आई थिंक 613 का एक स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पे, और मेरे हिसाब से
फिलहाल ट्रेड में बने रहे, उछालो में मेरी निकलने की राय रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडियम टर्म 650-670 उस एरिया में बहुत सेलिंग है डिलीवरी बेस्ड। तो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के सामने मुझे नहीं लगता कि आपको खड़े रहना चाहिए। जब तक 670-675 का डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होगा, नई ट्रेंड यहाँ पे इमर्ज होके नहीं आएगी, ये आपका टाइम वाइज आपको पीसता रहेगा और रेंज यही रहेगी तकरीबन फिलहाल के लिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ 550 से लेके 670 तक। तो ये राय है आपकी टाटा मोटर्स पे, आपको इस तरह से ध्यान रखना है, 613 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगला सवाल है दिल्ली से काशिफ का, बताइए काशिफ क्या सवाल है जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 40 शेयर्स है पेमेंट्स के 1800 के भाव से। ओके, क्या करना चाहते हैं? मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ 1 से 2 साल, तो मुझे उसका व्यू लेना था आपका। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं 1 से 2 साल के लिए, बताइए सरवन जी क्या किया जाए? देखिए स्टॉक काफी अच्छा चला हुआ है, बट थॉट यही है यहाँ पे कि भाई ट्रेड में है और बने हुए हैं और स्टॉक काफी चला है, तो मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पे इस्तेमाल करें। जब तक, जैसे मैंने बोला, आपने लंबी अवधि के दायरों को संभाल के रखा है इसने 1600 के आसपास, तब तक आई थिंक पॉजिटिव रखें बायस, बट मुझे लगता है कि इनको एक 1590 पे एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखना चाहिए। किन्हीं कारणों से उसके नीचे जाता है तो बड़ा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, निकलना ऐसे स्टॉक्स में कई बार मुश्किल हो जाता है जब आप सोचते हो कि मैं निकल जाऊंगा, बट कई बार वॉल्यूम्स नहीं रहते हैं जब स्टॉक गिर रहा होता है, तो इसमें तो वैसे भी डे टू डे बहुत कम वॉल्यूम्स होते हैं, काफी थिनली ट्रेडेड स्टॉक है मेरे हिसाब से, तो 1590 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, फिलहाल ट्रेड में बने रहेंगे। ट्रेड में बने रहिए, 1590 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला सवाल है अक्षय अग्रवाल का सूरत से, अक्षय बताइए क्या सवाल है? सर जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा कायल हूँ, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इंटेलिजेंस मुझे बहुत पसंद आता है। सर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं सुन रहा हूँ अक्षय जी, धन्यवाद सर, बताइए। हाँ नीरज जी, मेरा सवाल है जी शिपिंग, मेरे पास 280 शेयर्स है, 896। ओके, एंड अनुपम रसायन है 80 शेयर्स 1218 के रेट से। इन दोनों के बारे में मुझे गाइडेंस चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, प्लस मेरा कॉल प्लीज डिसकनेक्ट मत कीजिएगा, मुझे दो पॉइंट बतानी है बाद में। ओके, जी शिपिंग के शेयर पे क्या राय बनती है और अनुपम रसायन? सर्वेन जी लॉन्ग टर्म के हैं अक्षय जी इन्वेस्टर, बताइए। जी देखिए, जहां तक जी शिपिंग की बात रही, यहाँ पे मुझे लगता है कि फिलहाल तो एक अच्छा रन अप इसने देखा हुआ है, और थॉट यही है कि ये भी थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, जैसे अभी बात कर रहे थे आज के बाजार में जहाँ लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है वहां पे ये स्टॉक मेरे हिसाब से थिनली ट्रेडेड है, और कभी कभी अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं 2-4 लाख शेयर होते हैं, बट कई बार ड्राई हो जाता है काउंटर, तो ये हमेशा समझ के चलें कि ऐसे स्टॉक्स में अलर्ट रहना जरूरी है। फिलहाल ट्रेंड बायस ऊपर है इसमें, तो मेरे हिसाब से ट्रेंड में बने रहें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें इसमें, और मेरे हिसाब से वो लेवल्स तकरीबन आ रहे हैं 720 के आसपास, तो आई थिंक 718 के आसपास कहीं एक इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें जी में, और मेरे हिसाब से ट्रेंड में फिलहाल बने रहें, क्योंकि इनका, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनका दायरा जो है वो लंबी अवधि का है। ओके, लंबी अवधि का है तो बने रहिए, खाली बहुत ऊंच नीच हो तो वो स्टॉप लॉस एक कॉशन के लिए। और दूसरा स्टॉक है अनुपम रसायन, इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं होगी लेकिन फिर भी 2-3 साल की तो होगी कम से कम, 1218 रुपए पे है, 80 शेयर। देखिए ये स्टॉक तो फिलहाल एक करेक्शन कंसोलिडेशन जो आप बोलिए उसमें है, और एक मल्टी क्वार्टर मल्टी मंथ करेक्शन चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 9-12 महीने हो गए हैं यहाँ पे। थॉट यहाँ पे यही है कि फिलहाल तो एक उछाल का तो उम्मीद यहाँ पे बिल्कुल बनती है, और एक उछाल डेफिनेटली आएगा, अब वो इनके प्राइस तक पहुंचेगा कि नहीं 9 से 12 महीनों में वो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक 800-850 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो एक अच्छा उछाल इसको 1000-1050 तक लेके जा सकता है, फिलहाल जितना लिमिटेड डेटा में मेरा यही व्यू निकल के आ रहा है। ओके, तो अनुपम रसायन, अच्छा केमिकल इंडस्ट्री की एक बात मैं बता दूं, अभी सारी केमिकल इंडस्ट्री में बॉटमिंग आउट हो रहा है प्राइसिंग के हिसाब से, उनके जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है उसमें। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है ग्लोबली, और इन आपको मालूम ज़्यादातर केमिकल वाली कंपनीज के एक्सपोर्ट आए होती है, तो वर्किंग कैपिटल की थोड़ी सी टाइटनेस है, जैसे ही ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ईज होगा वैसे इन कंपनियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन केमिकल सारी कंपनियों की लगभग दिक्कत यही है कि एक्सपोर्ट आए हैं और वो थोड़ा सा टाइट चल रही है इस समय। अनुपम रसायन ने एक एक्विजिशन भी किया था, बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन था, तो खैर इस पर बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
अक्षय जी आप कुछ बताना चाह रहे थे, बताइए। यस यस नीरज सर, बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बीइंग अ टीचर एंड एन इन्वेस्टर, मैं दो कंसर्न बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये जो मिडिल क्लास जो सेक्टर को हम लोग बिलोंग करते हैं, मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, हम जानते हैं कि हम कैसे तैसे फंड को अरेंज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कि कुछ इधर से अपने को रिटर्न आ जाए। और मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो अपने मिडिल क्लास जो हैं इनको बहुत मार झेलनी पड़ रही है सर। हर बात पे टैक्स है, हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट कुछ करे, क्योंकि आपका नेशनल चैनल है, हम कैसे तैसे फंड का जुगाड़ करते हैं, अरेंज करते हैं, इनकम टैक्स दो, हर चीज पे जीएसटी दो, गुड्स सर्विस कुछ खरीदो जीएसटी दो, टोल टैक्स दो, मतलब हमारे लिए कोई रिलीफ ही नहीं है सर। एक लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, एक हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, मिडिल क्लास को बहुत मार झेलनी पड़ रही है सर। एंड सेकंड थिंग, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, बीइंग ए टीचर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल ब्रीड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जनरेट किया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, गुजरात बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, आप समझो ना कि एक ही बच्चा क्लास 10 का है, वो अलग अलग बोर्ड से पढ़ रहा है, अलग अलग उनकी पोटेंशियल है। और सेम सीबीएसई स्कूल जो होते हैं दो, वो भी करिकुलम अलग फॉलो करते हैं, उनके पब्लिकेशन बुक्स अलग होते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है सर बीइंग ए टीचर। एंड बच्चों का अपने कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दो बच्चे बोर्ड पास किए हैं लेकिन उनका पोटेंशियल में बहुत डिफरेंस आ रहा है सर। अच्छा जी, सरकार को देखनी चाहिए। बिल्कुल, आपने जो पॉइंट रेस किए हैं, और ये चैनल चूंकि इस समय लाइव है तो करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, और आई होप कि गवर्नमेंट के लोग भी देखते हैं, वो भी सुन रहे होंगे, और दोनों ही पॉइंट आपके बहुत वैलिड हैं। थोड़ा टैक्स स्लैब को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए सर, हमारे हमें बहुत झेलनी पड़ेगी। टैक्स स्लैब को डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज नहीं, घटाना चाहिए, घटाना चाहिए सर। हाँ ठीक है। तो अच्छा जी, इस दोनों पॉइंट आपके बहुत वैलिड है, और आवाज अड्डा जो हमारा शो, उस पर हम इन सब चीजों पर कई बार रेज भी करते हैं, और ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि मिडिल क्लास के ऊपर महंगाई की मार है, हाई टैक्स की मार है। अब चूंकि ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि उसमें हम झेल रहे हैं, और ये वॉइस मैंने लगातार रेज की है, बजट के दौरान भी जो हम शो करते हैं उसमें भी हम रेज करते हैं। और जो दूसरा पॉइंट आपका है, उससे मैं 1000% सहमत हूँ कि जो अलग अलग तरह तरह के बोर्ड चलते हैं ना, इससे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाइए, तब आपको समझ में आता है कि मार्किंग की वजह से आपको कई बार एडमिशन नहीं मिलता, भले ही आप कितने ब्रिलियंट हो। तो ये भी आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। आई होप कि हम लोगों की जो छोटी सी चर्चा हुई है, इसको जरूर सुन रहे होंगे, इस पर आगे कुछ काम होगा, और मुझे लगता है ये गवर्नमेंट डेफिनेटली इस दिशा में कुछ करेगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया ये पॉइंट रेस करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चलिए अगला सवाल एक और ले लेते हैं फटाफट। राहुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। राहुल जी नमस्कार, सवाल बताइए सर। नमस्कार नीरज जी। जी जी, मेरे पास एजीएस ट्रांजेक्ट के 585 शेयर हैं 97 के भाव पे, तभी इसमें क्या करना चाहिए? और साथ ही टेक महिंद्रा के 40 शेयर हैं 1485 के भाव पे। ओके, ये एजीएस तो अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग वाला है ना? हाँ सर, ये पिछले 21 में लिस्टिंग, 22 में लिस्टिंग हुई थी। 22 में, चलिए पहले टेक महिंद्रा लेते हैं। सरवन जी, टेक महिंद्रा 1485 पे लिया है, अभी चल रहा है कितना टेक महिंद्रा का भाव? 1124, बताइए क्या करें टेक महिंद्रा में? देखिए, मैंने शोज पे कई बार ये चीज दोहराई भी है कि भाई आईटी, निफ्टी आईटी का ही जो पुलबैक था वो कहीं खत्म हो गया है, और वो इस बार आई थिंक प्रेशर अब सब तरफ क्लियर कट दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है जब ब्रॉड इंडेक्स ही अंडर परफॉर्म करने वाला है, तो स्टॉक्स भी धीमे धीमे कम ज्यादा में भी बट अंडर परफॉर्म ही करेंगे। तो मुझे अभी भी लगता है टेक महिंद्रा में कि भाई उछालों में मेरी राय निकलने की रहेगी। अब यहाँ तो मैं इनको यहाँ से नहीं बोल सकता, बट इनके कॉस्ट के आसपास आवे या उससे 500 ऊपर नीचे, तो इनको मेरे हिसाब से उछालों में यहाँ से निकलना चाहिए। अभी यहाँ पे मुझे नहीं लगता 9-12 महीने पैसे बनेंगे इस सेक्टर में। ओके, और एजीएस ट्रांजेक्ट, हालांकि हिस्ट्री बहुत नहीं लंबी होगी, लेकिन फिर भी राय मिल जाए। नहीं नहीं, माफी चाहूंगा नीरज जी, बहुत कम डेटा है, जहां से खाली गिरी रहा है, कुछ ऐसा कर तो रहा नहीं है स्टॉक। 97 में इन्होंने लिया और लगातार वहां से, अरे 97 से 61 आ गया, अच्छी खासी मतलब गिरावट है, मतलब 30-35% की। राहुल जी, इसको मैं किसी फंडामेंटल गेस से लूंगा, क्योंकि चार्ट पे बहुत छोटा का चार्ट होता है ना, तो फिर उसमें राय देना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, किसी और फंडामेंटल एनालिस्ट से हम लोग इस पर डिस्कस जरूर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है हमारा, और यूट्यूब हमारा जो लाइव होता है उसमें भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो स्टॉक थे जिसमें राहुल जी की राय थी। सरवन जी, आज थोड़ा छोटा रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और दर्शकों की मदद करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे अश्विन वैष्णव जी की एक छोटा सा इंटरव्यू, जिसमें वो बता रहे हैं 6G की हमारी क्या तैयारी है टेलीकॉम सेक्टर की।
6G को लेकर भारत दुनिया में आगे निकलने की दौड़ पे निकल पड़ा है। हमारे